बड़ी खबर झारखंड से आ रही है। झारखंड चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीजेपी ने अपने पहली लिस्ट जारी कर दी है उम्मीदवारों की। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी ने झारखंड चुनाव के लिए अपने पहली लिस्ट जारी कर दी है, जहां दुमका से सुनील सोरेन को बीजेपी प्रत्याशी बनाया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें पोटका से मीरा मुंडा को बीजेपी प्रत्याशी बनाया गया है। साथ ही आपको बताते चले कि रांची से सीपी सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। झारखंड चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने पहली सूची में 66 प्रत्याशियों के नाम जारी किए हैं। 66 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की गई है, जिसमें रांची से सीपी सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है बीजेपी द्वारा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सरायकेला से चंपई सोरेन प्रत्याशी बनाए गए हैं। सरायकेला विधानसभा से चंपई सोरेन को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं छतरपुर विधानसभा से पुष्पा देवी भुइयां को प्रत्याशी भाजपा ने बनाया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा हटिया से नवीन जायसवाल प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। धनबाद से बाबूलाल मरांडी को प्रत्याशी बनाया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही जामताड़ा से सीता सोरेन भाजपा प्रत्याशी बनाई गई हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। झारखंड चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिसमें राजमहल से अनंत ओझा को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। वहीं दुमका से सुनील सोरेन को प्रत्याशी बनाया गया है और पोटका से मीरा मुंडा को प्रत्याशी बनाया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं झारखंड चुनाव को लेकर। झारखंड में चुनाव होने, विधानसभा चुनाव होने हैं 13 और 20 नवंबर को ये चुनाव होने हैं। आपको बता दें, दो फेज में झारखंड में चुनाव होंगे, जिसका नतीजा 23 नवंबर को आएगा। इसको लेकर बीजेपी ने अब अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 66 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं। इसमें रांची से सीपी सिंह का नाम है, रांची से सीपी सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। सरायकेला से चंपई सोरेन प्रत्याशी बनाए गए हैं। वहीं छतरपुर विधानसभा से पुष्पा देवी को प्रत्याशी बनाया गया है। हटिया से नवीन जायसवाल प्रत्याशी बनाए गए हैं। साथ ही साथ धनबाद से बाबूलाल मरांडी, जामताड़ा से सीता सोरेन, राजमहल से अनंत ओझा, दुमका से सुनील सोरेन और पोटका से मीरा मुंडा को बीजेपी प्रत्याशी बनाया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। झारखंड चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। 66 उम्मीदवारों की इस लिस्ट में चंपई सोरेन का नाम शामिल है। सरायकेला से चंपई सोरेन को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं रांची से सीपी सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। आपको बता दें, झारखंड में दो फेज में चुनाव होने हैं, 13 और 20 नवंबर को चुनाव होंगे, वहीं 23 नवंबर को इनका नतीजा घोषित किया जाएगा। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। झारखंड चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 66 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इन 66 उम्मीदवारों में रांची से सीपी सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है, वहीं सरायकेला से चंपई सोरेन को उम्मीदवार बनाया गया है। छतरपुर विधानसभा से पुष्पा देवी भुइया प्रत्याशी हैं। हटिया से नवीन जायसवाल, धनबाद से बाबूलाल मरांडी, जामताड़ा से सीता सोरेन, राजमहल से अनंत ओझा, दुमका से सुनील सोरेन और पोटका से मीरा मुंडा को बीजेपी प्रत्याशी बनाया गया है। आपको बता दें, झारखंड चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। 66 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। इसमें दुमका से सुनील सोरेन का नाम है, पोटका से मीरा मुंडा को बीजेपी प्रत्याशी बनाया गया है। बड़ी खबर झारखंड चुनाव को लेकर आ रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 66 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। इन 66 उम्मीदवारों में रांची से सीपी सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं सरायकेला से चंपई सोरेन को प्रत्याशी बनाया गया है। इसके साथ ही छतरपुर विधानसभा से पुष्पा देवी भुइयां को प्रत्याशी बनाया है। हटिया से नवीन जायसवाल चुनावी मैदान में भाजपा की ओर से उतरने वाले हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। झारखंड चुनाव को लेकर भाजपा ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। 66 उम्मीदवारों की इस लिस्ट में चंपई सोरेन का नाम भी शामिल है। चंपई सोरेन को सरायकेला से प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं धनबाद से बाबूलाल मरांडी चुनाव लड़ेंगे। वहीं जामताड़ा से सीता सोरेन बीजेपी प्रत्याशी हैं। राजमहल से अनंत ओझा, दुमका से सुनील सोरेन और पोटका से मीरा मुंडा को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। ये बड़ी खबर झारखंड चुनाव को लेकर आ रही है। बीजेपी ने 66 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। झारखंड में दो फेज में चुनाव होने हैं, 13 और 20 नवंबर को झारखंड में चुनाव होने हैं, जिसके बाद 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। इसी कड़ी में बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 66 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है। इन 66 प्रत्याशियों में रांची से सीपी सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं सरायकेला से चंपई सोरेन प्रत्याशी बनाए गए हैं। 66 उम्मीदवारों की ये पहली सूची जारी की गई है, जिसमें रांची से सीपी सिंह को प्रत्याशी बनाया है, सरायकेला से चंपई सोरेन भाजपा प्रत्याशी हैं, छतरपुर विधानसभा से पुष्पा देवी प्रत्याशी बनाई गई हैं। आपको बता दें, बड़ी खबर झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर हटिया से नवीन जायसवाल प्रत्याशी, बड़ी खबर धनबाद से बाबूलाल मरांडी, जामताड़ा से सीता सोरेन, राजमहल से अनंत ओझा, दुमका से सुनील सोरेन और पोटका से मीरा मुंडा को बीजेपी प्रत्याशी बनाया गया है।